हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर वाचिंग द एजुकेशनल चैनल मुनमुन भक्ता ट्यूटोरियल एंड आई योर साइंस टीचर मुनमुन सर हैज प्रेजेंटेड बिफोर यू विद अ न्यू चैप्टर ऑफ साइंस एंड दैट इज फूड। एंड दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज बी रेडी विथ ए नोटबुक एंड ए पेन एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई जस्ट कम टू द पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग साइंस के एक चैप्टर फूड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी है साइंस में। तो नंबर वन, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, आपको कोई भी चैप्टर, जैसे अभी ये चैप्टर फर्स्ट है, तो आप कोई भी चैप्टर जब शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैप्टर को शुरू से अंत तक एक बार रीडिंग देना है, ओके। उसके बाद उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेंगे, जितने टफ वर्ड मिलेंगे, सबसे पहले आप उसके चैप्टर के शुरू के पेज पर हेडिंग डालेंगे टफ वर्ड, और उसके नीचे उस चैप्टर में जितने भी आपको टफ वर्ड मिले उसको नोट करना है, क्लियर। नंबर टू, उस चैप्टर में मोटे या डीप अक्षरों में लिखे हुए जितने भी डिफिनेशंस आपको मिलेंगे उसको आपको नोट करना है, यानी कि एक शॉर्ट नोट भी तैयार करना है, ये दूसरा काम आपका होगा। नंबर तीन, जब चैप्टर एंड होता है तो उसके लास्ट में एक की टर्म दिया हुआ है और उस की टर्म को भी आपको लिखना है। तो आप क्या समझे, हर चैप्टर में ये काम आपको करना है चार। सबसे पहला पूरे चैप्टर का एक बार रीडिंग देना है और उसमें टॉप वर्ड को चुन करके लिख लेना है। नंबर टू, एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है अपने से, जो आप खुद से कर सकते हैं बुक का हेल्प ले करके। और नंबर थर्ड काम करना है कि बुक के अंत में, यानी चैप्टर के अंत में जो की टर्म दिया है उसको आपको लिखना है और इन तीनों चीजों को याद भी करना है। बीच बीच में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे तरफ से वीडियो आता रहेगा, और उसके बाद आपको उस चैप्टर का जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं खुद कराऊंगा, और जो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है वो आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के मदद से आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन मैं भी मदद करूंगा जहां नहीं आएगा। तो चलिए, आज इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फूड के बारे में। तो इससे पहले कि मैं फूड के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँ या इसको मैं शुरू कर दूँ, आपको मैं एक दूंगा छोटा सा काम, और आपको करना है एक छोटा सा एक्टिविटी। क्या करना है, अब आप कहीं ये नहीं कह दीजिएगा कि सर आपने तो आते आते कुछ पढ़ाया नहीं और हम लोग को तुरंत आप एक वर्क दे दिए। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल छोटा सा वर्क है बच्चों, जिसको आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये फूड है, भोजन, यानी कि इसमें मुझे क्या बताना, बहुत सारा चीज़ खुद से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक चर्चा करेंगे मिलजुल करके। तो मैं आपको एक्टिविटी बता दूं कि आपको करना क्या है। एक्टिविटी वन, इस चैप्टर का शुरू में सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चीज़ों को लिखने के बाद जो मैंने बताया टफ वर्ड नोट्स की टर्म जब आप लिख लेंगे, तब आपका चैप्टर का जो शुरुआत है उसमें आप लिखेंगे ये एक्टिविटी नंबर वन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और उसमें आप लिखेंगे फूड आइटम्स, हेडिंग होगा आपका फूड आइटम्स। और अब आप अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर डालेंगे कि जितने भी तरह का भोजन आप करते हैं या नहीं करते हैं, और दूसरे लोग भी करते हैं या दूसरे जगह वो भोजन किया जाता है, उन सभी फूड आइटम्स का नाम आपको लिख लेना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, आप लिखेंगे हेडिंग देंगे फूड आइटम्स, और आप क्या लिखेंगे, राइस, पल्स, ब्रेड, वेजिटेबल। ये तो सब कोई करते हैं भाई, भात, दाल, रोटी, सब्जी तो सभी खाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपको ना लिखना है, मैं आपको मदद करता हूँ। छोले भटूरे, भाई वाह क्या नाम है, नाम लेते ही मेरा तो खाने का दिल कर रहा है, क्या आप लोगों का भी दिल कर रहा है क्या, अरे वाह। चलिए आगे मैं बताता हूँ, ठीक है हम लोग बाद में उसे खा लेंगे, लेकिन देखिए मैं अभी आपको इस क्लास में क्या क्या चीज खिलाने जा रहा हूँ। तो भाई छोले भटूरे हो गए, पिकल यानी अचार, वाह नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। और फिर उसके बाद देखिए ना, और क्या क्या हम लोग खाते हैं, मसाला डोसा, इडली,
सांबर, मिल्क, कर्ड, घी, चीज यानी कि पनीर, और खाते हैं हम लोग मीट, फिश, एग, हनी यानी कि मधु, शहद, फ्रूट्स और भी बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग खाते हैं। तो मैं आपको इतना हेल्प दे दिया, आप फ्रूट्स जब लिखेंगे तो फ्रूट्स पे बहुत सारे फ्रूट्स के नाम भी लिख देंगे, वेजिटेबल जब लिखेंगे तो केवल वेजिटेबल ही, वेजिटेबल में जितने भी वेजिटेबल आप खाते हैं उस सबका आप नाम लिख देंगे तो आपके पास एक लंबा सा लिस्ट तैयार हो जाएगा फूड आइटम का। क्लियर? अब आपको क्या करना है देखिए, अब आप जब ये फूड आइटम्स का लिस्ट तैयार कर लेंगे, अब उस पेज के नीचे हिस्से में उसे बीच से एक लंबा लाइन ऊपर से नीचे तक खींचकर दो पार्ट में बांट देंगे। बाएं साइड वाले आपको लिखना है प्लांट प्रोडक्ट फूड, क्या लिखना है? प्लांट प्रोडक्ट फूड। और राइट साइड वाले में लिखना है एनिमल प्रोडक्ट फूड। ठीक, अब ऊपर लिस्ट में आप देखेंगे जितने फूड प्लांट से मिलने वाले हैं उसका नाम चुन चुन कर आप प्लांट वाले लिस्ट में लिख देंगे, और वे फूड जो आप एनिमल से प्राप्त करते हैं उसका नाम एनिमल प्रोडक्ट फूड वाले में लिख देंगे। क्लियर? इस तरह से आपका एक एक्टिविटी पूरा हो जाएगा। अब आइए हम पाठ की चर्चा करते हैं, और सबसे पहला हेडिंग हम लोगों का है कि फूड क्या है। तो इसके बारे में भाई फूड क्या है कहा जाए तो हम ये कहें कि वे सभी चीजें जिसे कोई जीव जीने के लिए खाता है या पीता है उसे ही हम फूड या भोजन कहते हैं। अब जैसे मैं क्या क्या हम खाते हैं और क्या क्या पीते हैं, अभी मैंने एक लिस्ट आपको बताया, उसमें से बहुत सारे चीज़ों का कुछ नाम लिख दीजिएगा, फिर मैं दोहराऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर? लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है आप CBSE के स्टूडेंट हैं उसको फॉलो करते हैं, इसलिए हमें तो ये चीज़ इंग्लिश में लिखना है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में भी हेल्प करता हूँ। इन इंग्लिश यू कैन राइट दिस that all things that are eaten or drunk by an organism to survive are called food. Clear student? Clear. Okay. Next point हमारा है where does food come from? भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से आता है, और इसको मैं नहीं बताने जा रहा आप लोगों को, क्योंकि इसका जवाब आपको आपके एक्टिविटी से मिल जाएगा, है कि नहीं? बोलिए, आपने एक्टिविटी में अभी लिखा है ना कि कुछ फूड जो है, मैंने दो लिस्ट बनवाया आपको कि प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, तो आप उस एक्टिविटी से हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा कि वेयर डज फूड कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है, कहाँ से प्राप्त होता है। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा चीज जो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वह है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की नीड यानी कि आवश्यकता, जरूरत क्यों है। तो भाई इसके बारे में तो मैं कहूँगा ना कि जैसे आप देखते हैं कोई मशीन होती है ना, तो किसी मशीन को चलने के लिए जिस तरह से पावर की जरूरत होती है, अगर उसको पावर नहीं मिले तो वो मशीन चल नहीं पाएगी। तो ठीक, हम लोग भी तो मनुष्य हैं या दूसरे अन्य भी जो जीव हैं उनको भी अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क करने होते हैं। हम मनुष्य हैं तो हमको चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, खेलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और भी बहुत सारे काम को करना पड़ता है, हमारे शरीर को डेवलप भी होना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है। इन सभी कामों के लिए हमारे शरीर को भी तो पावर की जरूरत होती है, तो ये पावर हमें कहाँ से मिलता है भाई? फूड से ही मिलता है, और इसीलिए हमें फूड की जरूरत है। तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह से एक मशीन को चलने के लिए पावर की जरूरत होती है, हमारे शरीर को भी चलने के लिए, बढ़ने के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए फूड की जरूरत होती है। इन इंग्लिश यू कैन राइट इट वी नीड फूड टू ग्रो, to walk, to get energy and to maintain good health. Clear student? आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है what are sources of food? भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं? And again, इस बार फिर भी मैं इसे आप लोगों को बताने नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि इसका जवाब आपको एक्टिविटी से मिल जाएगा। देखिए एक्टिविटी का कितना फायदा हुआ आपको, मैंने कराया एक एक्टिविटी और उससे अभी दो क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर लिए, तो है ना फायदे की बात। तो इसका जवाब भी आप एक्टिविटी से हेल्प लेकर के लिखेंगे, और आज के क्लास में हम लोग इतना ही, लेकिन
जाते जाते आपको इस क्लास के अंत में, मैं हर वीडियो के अंत में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा। अभी हम लोगों ने जितना चीज पढ़ा है उसके लिए आप होमवर्क को नोट करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और जल्दी से आप नोट कर लेंगे जो मैंने अभी बताया है उससे रिलेटेड यह होमवर्क है। वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएंगे, और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।